हेलो। हेलो। हाँ जी, मैं हाँ जी। कह रही थी आप बस पकड़ के आओगे ना उधर से, तो हाँ मतलब यहाँ से हम गाड़ी से ले जाएंगे आप लोगों को। अच्छा, वो तो ठीक है, दो लड़कियां हो रहा है मेरे पास में। कोई बात नहीं, आप ले आओ जितनी भी है। नहीं, ये बात कर रही है, पता नहीं कौन से होटल के। एक मिनट पूछ लूँ मैं इनको, कौन सा होटल नाम ले रही है, पता नहीं कौन सा होटल है। उनको उसमें से फोन आया है, किसी ने रेस वगैरह नाम ले रही है, अच्छा, वहां पे चलेंगे। ये तो मुझे पता नहीं कहाँ पे है, लेकिन चलो नाम कोई बात नहीं। नहीं कोई बात नहीं, वो होटल नहीं है, वो ऐसे ही ढाबा खोल कर हुआ उन्होंने, ठीक है। वहां जाना है, वहां चले जाओ आप, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास अगर आप नहीं आओगे देखो, हम तो कहीं और फोन कर लेंगे, वहां से स्टाफ आ जाएगा। और वो जो नरेश है उसका तो मेरे आगे तो नाम भी मत लियो, नहीं, मुझे नहीं ठीक है। पता। हाँ, अब आपको आप इन्होंने जहाँ जाना है मर्जी। आपने मेरे पास मेरी बात सुनो, हाँ, आपने मैंने ये फोन बोल किया दिया मेरे था, पास, ये मैंने बोल दिया कि आपने मैंने मेरे पास पहले कॉल कर मेरी, रखी है, मेरी पहले बात हुई है, मैं उसके पास ही जाऊंगी, ठीक है। अगर क्योंकि आपका मन करता है आप आ जाओ, मतलब किसी भी टाइम। अगर आपने वहां जाना है तो कोई दिक्कत नहीं, वहां जाओ, मैंने कोई मतलब नहीं है इस बात से। मेरे पास आओगी तो पैसे आपके बनेंगे। देखो मैडम, ना तो मेरे पास में उसका कोई कांटेक्ट नंबर है, ना मैं उनको जानती हूँ, ना आपका नंबर था मेरे पास, मैंने आपके पास कॉल किया। और ये लड़कियाँ जानती है तो ओके, ये चली जाएगी, इनकी मर्जी है। लड़कियों का क्या नाम है इनका? एक तो शायद प्रिया है, एक सुकन्या एक बात बताइए, अगर इन्होंने जाना है तो ये जाओ, मतलब किसी भी होटल का, किसी के सामने ये बोल रही है हम वहां जा रही, तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं आप आने। अगर आपको मन कर रहा है क्या मेरे पास आने के लिए, तो आप आ जाओ, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। हाँ, मैंने है। ये आप बात बोल दी आओगे, इसको। हाँ, आपने आओगे, आप पैसे बढ़ेंगे, आपके बढ़ेंगे, सुविधाएं मिलेंगी, सारी आपको मिलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप आ रहे हो तो ठीक है, वरना तो मैं कैथल से दो लड़कियां और बुला रही हूँ। यहाँ मैं की तो तबीयत आपकी वेट में बोल थी। रही, बारिश होने लग रही है, इस हाँ, करके मैं थोड़ा लेट हो गई, नहीं तो मैं सुबह आ जाती। सुबह ही बारिश होने लग रही थी। जो मतलब है वो है ना, हाँ, वो मतलब वो इनके पास फोन कर रहा है, फिर ये उनके पास फोन कर रही है, उस बात से हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ, नहीं वो बोले तभी उस पे, वो आपका नाम शायद पिंकी है ना, मैं और बोले थे अभी केस वगैरह भी हो, वहां पे रेड भी पड़ सकती है, आप यहाँ पे आ जाओ, मेरे को बोल रहे थे। मैं बोली मेरी हमें तो, बात मैं इनके साथ सुनो, बात एक हुई है बात मेरे। बताऊँ, मेरी मेरी बात सुनो। अगर रेड पड़ेगी ना, वो उठेंगे तो वो उठेंगे, मेरे पास कोई पुलिस नहीं आ सकती। एक बात बताऊं, केस मैंने उनके ऊपर कर रखा है, तो रेड वहां पड़ेगी, मेरे पास नहीं पड़ेगी। मेरे पास रेड क्यों पड़ेगी जब मैंने पर्चा दर्ज करवा रखा है? तो बात आपको हम बताते चलिए डबल मेरे को, हाँ? डबल पैसे देंगे, ये बोल रहे हैं कि हम डबल एक पैसे बात देंगे। बताऊं, मेरी बात सुनो, एक बात और भी बता दूं मैं। वो कह रहा ना रेड, आप आओ ना आओ, रेड मैं बताती हूँ उसने कहाँ पड़ती है। मैं करती हूँ अभी फोन, मैं गिरवाऊंगी वहां रेड, और मैं पूछूंगी उसने रेड कहाँ पड़ती है कहाँ नहीं पड़ती। पर्चा दर्ज उसके ऊपर हो रहा है, रेड उनका पड़ेगी मेरे नहीं पड़ेगी। और आज उन्होंने पता है मेरा रेड गिरवा भी दी, मेरा फिर भी पुलिस नहीं आई। क्यों नहीं आई, वजह क्या है ऐसी? मतलब मेरी मंथली वगैरह सब कुछ टाइम पे होता है, इसलिए मेरे पास नहीं आते कोई, उनके पास होती है रेड वगैरह, उनका पड़ती है मेरे नहीं पड़ती। क्योंकि जब बंदे का खुद का होता है ना कुछ ना कुछ, वो दूसरे पर डाल देता है भाई, हाँ इसका पड़ती है। और मेरी बात सुनो, उसको एक बात और भी बता दूं मैं, क्या नाम आपका? मेरा नाम मुस्कान है दी। मुस्कान, मैं उसको ये बात कह रही हूँ, अगर तेरी उससे थोड़ी बहुत भी बात होती हो ना तो उसको बोल दे मेरे से बच के रहेगा, बढ़िया रहेगा। वरना उसको ना मतलब दूर से पवा दूंगी मैं, जब मैं मेरे वाली पागी। मैं ऐसे बैठी हूँ चुप करके, मैंने सोचू भाई हम हमारा काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, वो अपना काम कर रहा है, अपने बच्चे पढ़ रहा है, ठीक देखो दीदी, ना तो मेरा है कोई कांटेक्ट नंबर है उसके पास ना ही मेरे ठीक पास है। है। मेरे तो ये दो लड़कियां ये बोल रही थी कि कोई नरेश और एक नाम और था, बाबा वगैरह, पता नहीं क्या बोल रही थी, ये बोल तो रही थी, जो कि पता नहीं बाबा बाबा ऐसा ही नाम बोल रही थी, शायद याद नहीं है मेरे। जो भी होंगे तो डबे में सारे इकट्ठे ही हो रहे,
कहीं में दो है वहाँ काम करते हैं, मतलब वो होटल है उसमें चलेंगे, वहाँ पे अपना पैसा भी बचेगा। मैं बोली माँ मेरी बात पहले, एक पिंकी मैडम है, माँ नरवाना से है, उसका सपा नरवाना है, मैं उसके साथ में बात हुई है। उनका पिंकी, उनका हाँ पिंकी, उनका उसके पास तो रेड वगैरह भी पड़ सकती है। वो बोल रहे हैं कि माँ मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, पहले मेरी कौन, क्योंकि पहले मेरे उसके साथ में बात हुई है, मैं तो वहीं पे जाऊँ। बात बताऊँ, मेरी बात सुनो, अगर मुस्कान आपको लग रहा है कि हाँ वहाँ मेरे हस्बैंड ने सपा किया हुआ है, मैंने नहीं किया, मेरे हस्बैंड ने किया हुआ, अगर वहाँ सपा में मतलब सीर है उनका दोनों का, अगर वहाँ रेड पड़ सकती है, आपको डर लग रहा है, तो आप अपनी मर्जी से मतलब आप ना आना चाहो तो मत आओ, आना चाह रहे हो तो आपके अच्छे पैसे बनेंगे, आप आओ उधर, अगर नहीं आ रहे आपकी मर्जी है। लेकिन उनको एक बात जरूर बोल देना, इन लड़कियों को मैं बताती हूँ, एक बार ये चली जाए उधर मैं बताती हूँ रेड कहाँ पड़ती है। फिर ये लड़कियां तो, एक लड़की तो छोटी सी उम्र की ले ले, यही तकरीबन होगी इसकी 21 के तकरीब होगी, ये तो वो कौन है बाबा बाबा पता नहीं, मैं नाम तो पता नहीं जानती नहीं उसका कौन है, कच्ची सी उम्र का लड़का, मैंने वीडियो कॉल में देखा है, कोई भी है, दाढ़ी मूछ रखता है, अच्छा सुनखा, सोना सुनखा मुंडा है, पड़ी है कहाँ से दाढ़ी मूछ रखेगा, उड़ा पड़ा है वो, उसमें क्या बोला कर रहे हैं, पड़ा है पता नहीं, मैंने कई बार देखा, मैं इसके पास साथ में वीडियो कॉल करते हुए पता नहीं देखा होगा कोई भी। चलो ठीक है, आना आप ना आओ जब फोन कर देना हमारे पास, ठीक है। ओके दीदी, ओके दीदी।